और चलिए हम रुक कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों की ओर। फरुखाबाद में दो सहेलियों ने लगाई फांसी, परिजनों में मचा कोहराम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ मौत के कारणों का खुलासा। मामले में आईजी कानपुर जोन जोगिंदर सिंह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, मामले की शुरू की जांच पड़ताल, पुलिस अधीक्षक संघ कई बिंदुओं पर की गई चर्चा। रायबरेली में करंट की चपेट में आने से हुई 20 वर्षीय युवक की मौत, परिजनों में शोक की लहर। हाथरस में पुलिस को मिली कामयाबी, 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, आगामी जांच में जुटी पुलिस। आगरा में बहू ने सास पर लगाया मारपीट का आरोप, थाने में दर्ज कराई एफआईआर, सास पर बताया जा रहा भूत का साया। सुल्तानपुर में दीवार गिरने से हुआ हादसा, मालकिन समेत 6 मजदूर घायल, 2 लोगों को गंभीर हालत में लखनऊ किया गया रेफर। देवरिया में जिलाधिकारी ने अस्थायी जलभराव प्रभावित गांव का किया निरीक्षण, अधिकारियों को जारी किए दिशा निर्देश। बुलंदशहर में फास्ट्रैक कोर्ट में हत्यारे को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा, 50,000 रुपए का भी लगाया जुर्माना। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से किशोरी ने पानी में लगाई छलांग, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही किशोरी, काफी खोजबीन के बाद मिला शव। श्रावस्ती में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, हिंदुवादी संगठनों ने निकाली पदयात्रा, जमकर लगाए नहीं। कानपुर में लुटेरों का आतंक, वृद्धा को पहले से लूटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर, मकान में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, ट्रक चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। आगरा में मसाला फैक्ट्री में 2 बाल श्रमिकों की हुई मौत, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा, घटना के बाद से ही फैक्ट्री मालिक फरार। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने पत्रकारों को किया संबोधित, 13 अक्टूबर को पार्टी के सम्मेलन की भी जानकारी। मिर्जापुर में विंध्या कॉरिडोर में पान गुटखा खाकर गंदगी फैलाने वालों की आई शामत, डीएम के निर्देश पर तंबाकू नियंत्रण विभाग ने चलाया अभियान, लोगों से तंबाकू न खाने की अपील। आगरा में खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कुटू के आटे से बने पकौड़े खाने पर भारी संख्या में लोग हो रहे बीमार, मरीजों की बढ़ती संख्या देख अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। बरेली में फर्जी सीएमओ बनकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से की ठगी, डरा धमकाकर वसूले 2,20,000 रुपए, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट, बहन के साथ प्रेम प्रसंग का था शक, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मैनपुरी में 2 छात्राओं की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में चोट समझकर युवक की जमकर पिटाई, परिजनों ने मारपीट का दर्ज कराया मुकदमा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर के रमजानपुरा में आपस में भिड़े 2 युवक, एक राहगीर को लगी गोली, पुलिस ने 6 युवकों को किया गिरफ्तार। अमरोहा में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने महिला से छीनी 50,000 की नकदी, सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी पुलिस। सहारनपुर में मेला गुघाल की नगर निगम ने तैयारियां की शुरू, नगर आयुक्त ने अधिकारियों संग किया महाड़ी स्थल का निरीक्षण।
बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, बाइक, तमंचा और कारतूस हुआ बरामद। उन्नाव में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, एसडीएम के आदेश के बाद हुई कार्रवाई, करोड़ों में बताई जा रही जमीन की कीमत।